So the next property which we are going to discuss today is the dipole moment. This is the second property for the today's class. अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द वन इन विच द रीजन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर वेल सेपरेटेड ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल. हमें पता है कि डाइपोल क्या होता है. ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ओवरऑल चार्ज इज जीरो, बट I have two different regions. One is of positive region, another is of negative region. और ये net regions बनी क्यों? Because of uneven distribution of electrons. Overall charge, ये दोनों positive और negative एक दूसरे को nullify कर देते हैं. Overall charge on my molecule is zero, but still my molecule can show a positive and a negative region. That is my dipole. अगर मैं डायग्रामेटिकली शो करूं, मेरे मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है. दिस इज माय मॉलिक्यूल विच ऑन अ होल इज न्यूट्रल. ऑन अ होल माय मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल. और जब उस पे चार्ज सेपरेशन होती है तो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे अकमुलेट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज दूसरी साइड पे अकमुलेट हो जाता है. एंड दिस वही न्यूट्रल मॉलिक्यूल मेरा क्या बन जाता है? डाइपोल. बट स्टिल द ओवरऑल चार्ज ऑन माय मॉलिक्यूल इज जीरो. ठीक है बच्चे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेनेवर टू यू टॉक अबाउट अ डाइपोल इज दैट द चार्ज सेपरेशन इन अ मॉलिक्यूल शुड बी व्यूड विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अदर इंड्यूस्ड इफेक्ट. ये जो मेरी चार्ज सेपरेशन हो रही है मॉलिक्यूल में, ये विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई नहीं की और कोई इंड्यूस्ड इफेक्ट नहीं है जिसके कारण ये मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव एंड सेपरेट हो रहा है. विदाउट एनी इन्फ्लुएंस अगर मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो रहा है, देन दैट इज माई डाइपोल. अगर कोई इन्फ्लुएंस होगी किसी भी तरह की, चाहे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, चाहे कोई अदर पोलर मॉलिक्यूल मेरे उस मॉलिक्यूल के नजदीक आ रहा है, देन दैट विल नॉट बी अ डाइपोल, दैट विल बी अ इंड्यूस्ड डाइपोल. ठीक है बच्चे, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर डाइपोल मोमेंट. नेक्स्ट, हमने एग्जाम्पल पहले भी कई बार डिस्कस की है. वी हैव डिस्कस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ वॉटर. वाटर की हमने बहुत बार एग्जाम्पल डिस्कस की है. वाटर में वी हैव अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विच इज अटैच्ड विद टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. हियर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन योर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. तो क्या होगा? ऑक्सीजन के पास हमेशा टेंडेंसी होगी कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो जिससे उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा किस साइड में चला जाएगा? आपके ऑक्सीजन की साइड में चला जाएगा. सो योर ऑक्सीजन विल यू नो इट विल अज्यूम सम नेगेटिव चार्ज ओवर इट. एक नेगेटिव चार्ज उस पर डेवलप हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आपका डेवलप हो जाएगा ऑन योर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. सो एक डाइपोल इंड्यूस हो रहा है विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स. आपके मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस ने इंड्यूस कर दिया कि उसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में एक तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो मूव कर गया. दिस इज योर डाइपोल. डाइपोल मूवमेंट को हमेशा आप इस सिंबल से डिनोट करते हो. एक एरो होता है एंड एट द एंड यू कट इट विद अ स्टैंडिंग लाइन. ठीक है, द एरो का जो हेड है दैट विल पॉइंट टूवर्ड्स योर नेगेटिव एंड and the tail will point towards your positive end. Tail आपकी positive end की तरफ point करे. ठीक है बच्चे, so here if I mark this water molecule को अगर मैं mark करती हूँ dipole moment के symbol से, I will mark it like this. ठीक है बच्चे, अगर मैं और example लूँ अमोनिया. अमोनिया में सेंटर में नाइट्रोजन होता है एंड इट इज अटैच्ड विद थ्री हाइड्रोजन्स. सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन हाइड्रोजन. सो अगर मैं डाइपोल मोमेंट मार्क करूंगी तो कैसे होगी? फ्रॉम हाइड्रोजन द एरो विल पॉइंट टुवर्ड्स नाइट्रोजन
एंड द टेल विल बी टूवर्ड्स हाइड्रोजन. सिमिलरली आपके सेकेंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, सिमिलरली थर्ड मॉलिक्यूल के साथ. ठीक है, देन योर मीथेन. थर्ड एग्जाम्पल इज योर मीथेन. सेंटर में कार्बन होती है, इट इज अटैच विद फोर हाइड्रोजन. सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर देन हाइड्रोजन. सो इफ यू मार्क योर डाइपोल मूवमेंट, दैट विल बी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, फ्रॉम हाइड्रोजन टूवर्ड्स कार्बन फॉर ऑल द थ्री बॉन्ड्स, फोर बॉन्ड्स. इस तरह से आप डाइपोल मूवमेंट को मार्क करो. ठीक है बच्चे, क्लियर है? नेक्स्ट, मैथमेटिकली अगर मैं डाइपोल मूवमेंट को कैलकुलेट करूं, फर्स्ट द सिंबल फॉर डाइपोल मूवमेंट इज म्यू एंड द यूनिट इज डिबाई. यूनिट उसका डिबाई है एंड द सिंबल इज म्यू. इट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन योर मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज. ठीक है, क्या चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज योर डाइपोल. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट. बहुत मेथड्स हैं, हम यहाँ पे टू मेथड्स डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट विल बी द इलेक्ट्रिक कंडेंसर मेथड और द वेपर टेम्परेचर मेथड, एंड सेकेंड विल बी बाय यूज ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा. इलेक्ट्रिक कंडेंसर मेथड में क्या होता है, यू हैव टू पैरेलल प्लेट्स इन अ कंडेंसर विच आर कनेक्टेड टू अ स्टोरेज बैटरी विद द हेल्प ऑफ विच बेसिकली हेल्प टू चार्ज देम. आपके पास एक कंडेंसर है जिसको आपने सेम उसी तरह से जैसे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने फाइंड किया था, इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी जो उसको चार्ज करने में हेल्प करता है. ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड सच दैट इट्स स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो वो इस तरह से होगी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, कितनी आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन योर प्लेट्स. आप कितनी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, दैट विल बी इक्वल टू आप कितनी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो डिवाइडेड बाय क्या डिस्टेंस है बिटवीन दोज टू प्लेट्स. इतनी आप इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसमें अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अप्लाई करोगे. ठीक है बच्चे, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अ मॉलिक्यूल विद परमानेंट डाइपोल ऑल्सो पोजेस इंड्यूस्ड डाइपोल. जब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हो जिनमें परमानेंट डाइपोल होता है, उनमें इंड्यूस्ड डाइपोल भी हो जाता है. और जो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करेंगे कि सेंटर में दे विल अलाइन देमसेल्स डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव एंड उनका किस तरफ है एंड द नेगेटिव एंड इज टूवर्ड्स द अदर साइड. ठीक है बच्चे, आप कैलकुलेट कैसे करोगे, आप इनिशियली उसमें यू विल ऐड सम पोलर मॉलिक्यूल इनटू योर इन बिटवीन योर प्लेट्स एंड यू विल नोट डाउन कि क्या आपकी वोल्टेज है. इट विल चार्ज योर प्लेट्स टू अ वोल्टेज वी, देन यू विल रिमूव दैट पोलर मॉलिक्यूल एंड यू विल चेक द वोल्टेज ऑफ द वैक्यूम and the ratio will give you what is your dielectric constant. ये आपको value दे देगी, sorry, epsilon की value. From epsilon, you can find out your dipole moment. ठीक है बच्चे, this is your electric condenser method or vapor temperature method. The second method is by using the rotational spectra. ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, व्हेन अ पोलर मॉलिक्यूल इन इट्स गैशियस फेज इज एक्सपोज टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. जब आप एक पोलर मॉलिक्यूल को जो कि गैशियस फेज में है उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करते हो, तो उसका जो एनएमआर है जिसको आप स्पेक्ट्रा भी बोल देते हो. आई होप यू आर क्लियर अबाउट व्हाट इज एनएमआर. ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. आपकी वो जो स्पेक्ट्रम लाइंस हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं. ठीक है बच्चे, वो शिफ्टिंग कितनी होती है, दैट इज गिवन बाय वन इफेक्ट विच इज कॉल्ड द स्टार्क इफेक्ट. वो एक इफेक्ट से हम फाइंड आउट करते हैं कि कितनी एनएमआर आपका शिफ्ट हो रहा है. वो स्टार्क इफेक्ट से कंक्लूड होता है एंड कितना वो शिफ्ट हो रहा है
That will give you an indication ki what is your mu, what is your dipole. So you have two methods of determination of dipole moment. One is using electric condenser method. Through this method, you will find out ki what is the dielectric constant of your sample or a polar molecule. From dielectric constant, you will find out your mu. Second, you will simply check the spectra of your polar molecule. उनका आप चेक करोगे एंड यू विल नोट डाउन कि कितना वो शिफ्ट हो रहा है व्हेन यू आर टेकिंग द स्पेक्ट्रा ऑफ द गैशियस स्टेट. ठीक है, दिस इफेक्ट को आप स्टार्क इफेक्ट कहते हो एंड फ्रॉम दैट यू विल फाइंड आउट कि क्या डाइपोल मूवमेंट है आपके मॉलिक्यूल की. नेक्स्ट, मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ योर सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज योर एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट. एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड. It will give you an indication of solubilization of drug. क्या dipole movement है उसे आप easily interpret कर सकते हो कि आपकी drug की क्या solubilization pattern है. Second, crystalline nature of solids can be easily identified as the arrangement of molecules in a crystal lattice of a solid is determined by the dipole movement of the molecule. किस arrangement में आपके molecule एक crystal lattice में होंगे वो डिटरमिन करता है कि उन मॉलिक्यूल्स की क्या डाइपोल मोमेंट है. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आपके ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शंस में डाइपोल मोमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड कैसे जाके इंटरैक्ट करता है अपने रिसेप्टर के साथ, वहां पे डाइपोल मोमेंट बहुत इन्फ्लुएंस शो करती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ द ड्रग इज समटाइम्स डिपेंडेंट अपॉन द डाइपोल. If you see this example, this is an example of DDT. DDT की example है. DDT तीन isomers में exist करती है. The first form is the para isomer of DDT, जिसमें this whole structure, ये जो part है DDT का वो same रहेगा. Difference will only lie on this benzene ring, where in the para isomer your chlorine is present over here. In the meta isomer, your chlorine is present over here. In the ortho isomer, your chlorine is present over here. Sirf presence of chlorine will change the dipole moment of your DDT molecule. Aur usse uski jo properties hai, wo completely change ho rahi. If you look over here, the minimum dipole moment is that of your para isomer. Uski sabse kam dipole moment hai, which is 1.10. मेटा की 1.55 एंड ऑर्थो की 1.90. दिस पैरा आइसोमर इज द लीस्ट वाटर सॉल्युबल. मोस्ट वाटर सॉल्युबल इज योर ऑर्थो आइसोमर आउट ऑफ दीज थ्री. वाटर सॉल्युबिलिटी कम है, दैट मींस लिपिड सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी. ऑपोजिट विल बी द केस विद ऑर्थो. मेटा में इंटरमीडिएट होगी इन बिटवीन पैरा एंड ऑर्थो. जस्ट लुक इट ओवर हियर. पैरा आइसोमर की बिकॉज ये प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं, इट इज द मोस्ट टॉक्सिक वन. ये सबसे टॉक्सिक वन है बिकॉज इट इज मोर लिपिड सॉल्युबल. कोई भी चीज टॉक्सिक कब होती है, जब वो लिपिड सॉल्युबल ज्यादा हो जाती है. डायरेक्टली आपकी स्किन से अंदर मूव कर सकती है, स्किन से एंटर कर सकती है आपकी ब्लड वेसल्स में, है ना. स्किन से वही चीज डायरेक्टली अंदर एंटर करेगी जो लिपिड सॉल्युबल ज्यादा. Because ortho is less lipid soluble, it is the least toxic. And meta, in between these two, it has intermediate toxicity. Just look it over here, ki aapki sirf dipole moment kyunki change ho rahi hai because of the positioning of your chlorine molecule. So, your toxicity, your solubility is completely different for these three molecules. So, the last application for your dipole moment is, यू कैन हैव सम एलुसिडेशन कि आपके मॉलिक्यूल की केमिकल स्ट्रक्चर क्या है. देयर आई हैव एडेड थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके सिमेट्रिक प्लेनर और लीनियर मॉलिक्यूल्स है. दे हैव अ जीरो डाइपोल मूवमेंट, उनकी डाइपोल मूवमेंट जीरो होती है. फॉर एग्जाम्पल, आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड में सेंटर में आई हैव अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विच इज अटैच्ड विद टू कार्बन मॉलिक्यूल. टू कार्बन मॉलिक्यूल्स के साथ आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है. और सॉरी, सीओ टू आई हैव, सो सॉरी, जस्ट गिव मी वन मिनट. सो हियर यू हैव सेंटर में आपका
सेंटर में बच्चे आपका कार्बन होगा, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट सीओ टू. कार्बन वन है, ऑक्सीजन टू है, इट इज अटैच्ड बाय टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर सीओ टू मॉलिक्यूल जो कि लीनियर मॉलिक्यूल है. हेयर इफ आई कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मच हायर देन योर कार्बन. सो अगर आप डाइपोल मूवमेंट का सिंबल लगाओगे तो कैसे लगाओगे, इस तरह से. इट विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स ऑक्सीजन फ्रॉम योर कार्बन. आपके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ मूव कर रहे हैं. इफ आप देख रहे हो इस साइड का डाइपोल मूवमेंट इज मूविंग टूवर्ड्स राइट, इस साइड का डाइपोल मूवमेंट इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट. सो बोथ द इफेक्ट्स आर नलीफाइंग वन अनदर एंड द ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट ऑफ योर मॉलिक्यूल इज जीरो. सो आपके जितने सिमेट्रिक प्लेनर और लीनियर मॉलिक्यूल्स होंगे उनका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है. इसमें एक और एग्जांपल आ जाती है बच्चे आपकी क्लोरीन गैस की, Cl joined by Cl. अब दोनों मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी रखते हैं, हम किसी से कंपेयर नहीं कर पाएंगे. दिस मॉलिक्यूल विल ट्राई टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट, दिस मॉलिक्यूल विल ट्राई टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट. अगेन द ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट इज जीरो. ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट इसका क्या होगा, जीरो. सेकेंड, योर डाइपोल मूवमेंट हेल्प इन डिसाइडिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द बॉन्ड एंगल. यहाँ हमने बात की, अगर हम डाइपोल मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एंड आई सिंपली आइडेंटिफाई यहाँ पे CO2 का ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट इज जीरो, बट आई नो दैट C एंड O का डाइपोल मूवमेंट कुछ स्पेसिफिक होगा. बाई सिंपली नोटिंग कि ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट मॉलिक्यूल का क्या है एंड हर बॉन्ड का क्या है, यू कैन हैव अ आइडिया, वेरी फेयर आइडिया कि आपके मॉलिक्यूल की क्या शेप होगी और क्या उसका बॉन्ड एंगल होगा, किस एंगल पे वो प्रेजेंट होगा. ठीक है बच्चे. थर्ड, डाइपोल मूवमेंट हेल्प इन डिसाइडिंग द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल. सेम यहाँ मैंने एग्जांपल ली हमारे डाइक्लोरोबेंजीन की. डाइक्लोरोबेंजीन कैन एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट आइसोमर फॉर्म. इफ द क्लोरीन इज प्रेजेंट इन द पैरा पोजिशन, देन पैरा आइसोमर, मेटा एंड योर ऑर्थो आइसोमर, तीनों का डाइपोल मूवमेंट विल बी डिफरेंट. ठीक है, इफ आई नोट डाउन द डाइपोल मूवमेंट, पैरा का डाइपोल मूवमेंट क्या होगा बच्चे, कोई भी बता सकता है, इट विल बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, पैरा का डाइपोल मूवमेंट जीरो है, मेटा का डाइपोल मूवमेंट इज 5.7 एंड ऑर्थो का डाइपोल मूवमेंट इज 8.3. सो बाय सिंपली लुकिंग एट किस पोजीशन पे मॉलिक्यूल है, आपका डाइपोल मूवमेंट चेंज हो रहा है. और अदरवाइज यू बाय सिंपली लुकिंग एट द डाइपोल मूवमेंट आपको पता है कि डाइक्लोरोबेंजीन का इनमें से क्या डाइपोल मूवमेंट है, यू कैन सिंपली प्रिडिक्ट कि आपकी क्लोरीन पैरा पोजीशन पे है, मेटा पे है कि ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है. ठीक है बच्चे. सो विद दिस वी कंप्लीट द टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज विच वी प्लान टू डिस्कस टूडे.